एक प्रेम कहानी दुल्हे की दुल्हन कलीसिया से। आमीन। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमें दुल्हन के रूप में उसने धरती पर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगा। हम कलीसिया के बारे में जानेंगे, इस कहानी के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं उत्पत्ति का 24वां अध्याय। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में इब्राहिम इसाक के लिए दुल्हन लेने के लिए जाता है। हालेलुया। इब्राहिम चाहता है कि अपने बेटे इसाक की शादी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब ये 24वां अध्याय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे उत्पत्ति के बारे में। देखिए, पूरी उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम पढ़ना चाहें, अगर हम देखना चाहें, तो इसमें टोटल 50 अध्याय हैं। हालेलुया। तो 1 से 11वां अध्याय जो है, 1 से 11 अध्याय जो है, उसमें चार मेन घटनाएं घटी हैं। 1 से 11 अध्यायों के बीच में 4 विशेष घटनाओं को उसमें बताया गया है, और 12 से 50वें अध्याय के बीच में 4 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बताया गया। तो ये उत्पत्ति के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो 1 से 11 अध्याय, जिसका ड्यूरेशन है, जिसकी समय अवधि तकरीबन 2000 साल है, और 12 से 50वें अध्याय की जो अवधि है वो 350 साल है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं थोड़ा सा आपको व्याख्या दे दूं कि 1 से 11 के बीच में 4 कौन सी विशेष जो घटनाएं घटी हैं, वो कौन सी घटनाएं घटी हैं। हालेलुया। आप सब लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति 1 से 11 के बीच में पहली घटना है सृष्टि की रचना और मानव की रचना। प्रेज द लॉर्ड। पहली घटना क्या हुई? सृष्टि की रचना और मानव की रचना। दूसरी घटना क्या हुई? कि पाप का मृत्यु के, पाप का आदम के अंदर प्रवेश करना। हालेलुया। पाप का आदम के अंदर आपका प्रवेश करना और आदम को अदन की वाटिका से निकालना, ये दूसरी घटना उत्पत्ति में। तीसरी घटना क्या हुई? नोहा के द्वारा, क्योंकि नोहा के समय में काफी गलत चीजें हो गई थी, बहुत ही गलत एटमॉस्फेयर था वहां पर, तो परमेश्वर ने तय किया कि मैं इस पूरे संसार को खत्म कर दूंगा। तो तीसरी घटना जो हुई है वो नोहा के समय में हुई है, जिसमें जल प्रलय से परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया। सिर्फ 8 लोग बचे जो कि नोहा के परिवार के सदस्य थे। हालेलुया। ये तीसरी घटना घटी। चौथी घटना कि उस जल प्रलय के बाद, उस विनाश के बाद, परमेश्वर ने शपथ खाई कि मैं अब धरती को जल से नहीं मारूंगा। हालेलुया। तो इंद्रधनुष का वहां पर विवरण है, और चौथी घटना यह है कि वाचा बांधता है परमेश्वर धरती के साथ कि मैं उस क्रोध को नहीं लाऊंगा जो मैं नूह के समय लेकर आया था। हालेलुया। तो ये 1 से 11 के बीच में ये 4 घटनाएं हुई हैं, और 12 से 50 के बीच में जो 4 महान महानुभाव, जो चरित्र, जो परमेश्वर के जन, जो अभिषिक्त जन जिनको परमेश्वर ने चुना था, उनके बारे में बताया गया है। और वो कौन कौन है? इब्राहिम, इसाक, याकूब और यूसुफ। तो ये 4 लोग हैं जिनके बारे में 12 से लेकर 50 के बीच में बताया गया है। अब हम आते हैं अपने 24वें अध्याय में। प्रेज द लॉर्ड। तो 24वां अध्याय पिता और पुत्र के संबंध में बताता है। बहुत ही प्यारा अध्याय है। हालेलुया। बहुत ही प्यारा अध्याय है, और इसमें हम जानेंगे कि कैसे पिता चाहता है कि अपने इकलौते पुत्र के लिए दुल्हन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो उस दुल्हन का चुनाव कैसे करता है? इब्राहिम अपने दास को, जो कि वफादार दास था, उसका नाम था एलीएजर, उस एलीएजर को दुल्हन को लाने का काम सौंपता है। हालेलुया। यहां पर अगर 24वें अध्याय में देखेंगे तो दास का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस नाम को अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति 15:2-3 में इब्राहिम ने परमेश्वर के सामने बताया था कि मेरा उत्तराधिकारी एलीएजर होगा जो कि मेरा दास है। हालेलुया। तो यहां पर हम उस दास का नाम एलीएजर समझते हैं, और एलीएजर को परमेश्वर इब्राहिम ने चुना ताकि वो उसके लिए दुल्हन लेके आए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इसाक और यीशु मसीह के बारे में कई समानताएं हैं। हालेलुया। यीशु मसीह और इसाक के बारे में कई समानताएं मैं आपको बता दूं।
उसके जन्म से लेकर अगर आप देखेंगे तो बहुत समानताएं हैं। नंबर वन समानता क्या है कि इसाक और यीशु मसीह दोनों के लिए, दोनों के जन्म की प्रतिज्ञा की गई थी। इसाक और यीशु मसीह के दोनों के जन्म की प्रतिज्ञा की गई थी। हालेलुया। इब्राहिम जब 75 इयर्स का था तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि तुझसे एक बालक जन्म होगा जो कि वंश, जो कि प्रतिज्ञा का फल होगा और जो कि तेरा वंश बढ़ाएगा। हालेलुया। और अगर नबियों के द्वारा हम देखें तो परमेश्वर ने नबियों के द्वारा हमें बताया है, इसराइलियों को बताया है कि एक माँ गर्भवती होगी, एक कुंवारी माँ गर्भवती होगी और उससे धरती का उद्धार करता पेश होगा। हालेलुया। तो पहली समानता हमने देखी कि इसाक और यीशु मसीह दोनों प्रतिज्ञा के द्वारा धरती पर आए। हालेलुया। दूसरी समानता, सारा और मरियम, सारा किसकी माँ थी? इसाक की। मरियम किसकी माँ थी? यीशु मसीह की। लेकिन दोनों ने ही परमेश्वर की भविष्यवाणी पर संदेह किया, दोनों ने ही परमेश्वर की भविष्यवाणी पर कि उनके बेटा होगा, इस भविष्यवाणी पर संदेह किया। कैसे? अगर हम देखेंगे 18 अध्याय 18 उत्पत्ति 18 में देखेंगे, जब सदोम अमोरा की तरफ परमेश्वर जाते हैं, यहोवा जाते हैं सदोम अमोरा का नाश करने के लिए, वहां पर जब इब्राहिम परमेश्वर यहोवा की सेवा करता है और वहां पर यहोवा प्रसन्न होकर उसे कहते हैं कि अगले साल जब मैं आऊंगा तो तेरी बीवी को एक बच्चा होगा। हालेलुया। उस समय सारा की उम्र कितनी थी? 90 साल। हालेलुया। 89 years थी। हालेलुया। तो सारा ने जब यह सुना तो वो हंसने लगी। हालेलुया। यानी कि उसने संदेह किया परमेश्वर की बातों पर। अगर हम लूका में आते हैं तो लूका में देखते हैं कि जब जिब्राइल दूत मरियम के पास आया और उसने कहा कि तुझसे एक बालक जन्म लेगा और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुझ पर आच्छादित होगा, और मरियम ने कहा कि अरे कैसे हो सकता है, मैं तो एक कुंवारी हूं, मेरी तो शादी नहीं हुई। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसाक और यीशु मसीह के जन्म में उनकी दोनों माताओं ने परमेश्वर की भविष्यवाणी पर संदेह व्यक्त किया था। हालेलुया। नंबर तीसरा, इसाक और यीशु मसीह के नाम उनके जन्म से पहले ही उनके माता पिता को बता दिए गए थे। यह तीसरी समानता है कि इसाक और यीशु मसीह के जो नाम हैं वो जन्म से पहले ही उनके माँ बाप को बता दिए थे। हालेलुया। चौथी समानता यह है कि इसाक और यीशु मसीह दोनों अपने पिता की आज्ञा पर चलते थे। हालेलुया। कोई मुझे बताएगा कि जिस समय इब्राहिम इसाक को लेकर मौरिया पर्वत पर गया उस समय इसाक की उम्र कितनी होगी? कोई बताएगा मुझे? जिस समय इब्राहिम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू अपने बच्चे की बलि दे, इसाक को लेकर मौरिया पर्वत पर जाए, मौरिया देश में जा, वहां एक पर्वत है जहां पर तुझे बलि देनी पड़ेगी, तो वहां पर उस समय इसाक की उम्र कितनी थी? कोई बताएगा? हालेलुया। लोग कहते हैं 10-12 साल। हालेलुया। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उसकी उम्र तकरीबन 34 साल थी। वो बड़ा था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जब इसाक ने जन्म लिया तो सारा की उम्र थी 90 साल। और जब हम अगर अध्याय 23वां पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 23वां पढ़ेंगे, तो हमें पता चलता है कि जब सारा मरी तो उसकी उम्र थी 127 साल। हालेलुया। यानी कि जब सारा की मृत्यु हुई तो इसाक की उम्र कितनी थी? 37 साल। और 22वें अध्याय में पर इब्राहिम इसाक को मौरिया देश में लेकर जाता है। हालेलुया। और 23वें अध्याय में सारा मरी जब उसकी उम्र 127 साल की थी। तो इसका मतलब अगर हम अनुमान लगाते हैं तो 22वें अध्याय में जब इब्राहिम इसाक को लेकर जाता है तो उसकी उम्र तकरीबन 33-34 साल थी। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे उनकी उम्र कितनी थी? 33.5 साल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समानता देखिए, इसाक और यीशु मसीह में समानता देखिए। आप, आपको बता दूं एक बहुत ही, आप उस चीज को आप समझे नहीं, आप जानिए कि जिस पर्वत पर, जिस मौर्या पर्वत पर इब्राहिम ने इसाक को बलि दी थी, बलि बलि के लिए उसने वेदी लगाई थी, उसी पर्वत पर यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था। 1000 साल बाद उसी पर्वत पर यीशु मसीह
को क्रूस पर लटकाया गया था, उसी सेम पर्वत पर। हालेलुया। वहां पर अगर आप देखेंगे, आज भी मौर्य देश में आप देखेंगे, एब्रोन से जाएंगे तो वहां पर मस्जिद है, और मस्जिद के बाजू में गतसमनी है, और वहां पर यीशु मसीह का क्रूस पर वो मारे गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जब इब्राहिम अपने बच्चे इसहाक को उस पर्वत पर लेके जाता है, तो बाइबल बताती है, आप अगर अध्याय 22 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इब्राहिम ने लकड़ी का गट्ठा, जिस लकड़ी पर उसको बलि दी जा रही थी, जिस लकड़ी पर उसको जलाया जाना था, उस लकड़ी का गट्ठा किसने उठाया हुआ था? इसहाक ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखिए दृश्य देखिए, तो वो 33 साल का 34 साल का इसहाक अपनी गड्ढी, अपनी लकड़ी, अपना क्रूस उठाकर उस पर्वत पर जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरीके से जैसे यीशु मसीह उस पर्वत पर अपना क्रूस उठाकर जा रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दोनों पर अपने पिता की आज्ञा को मानते थे। आप सोचिए वो कितने साल का था? 33-34 साल का। अगर इसहाक चाहता तो अपने बाप को मना कर सकता। इब्राहिम की उम्र उस समय कितनी थी? तकरीबन 145 साल, 145 साल थी। इब्राहिम अगर इसहाक को लेटने के लिए बोलता है और इसहाक मना कर देता और उस बुड्ढे बाप को झटकता और चला जाता, इब्राहिम कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे इब्राहिम ने उसके हाथ बांधे, उसने अपने हाथ बंधवा लिए। प्रेज द लॉर्ड। पिता की इच्छा के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया, जैसे पिता की इच्छा के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया। उसने क्या कहा कि जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तू चाहता है कि मैं इस प्याले को पीऊं तो मैं इस प्याले को पीऊंगा। वही इब्राहिम को इसहाक ने कहा कि पिता अगर तेरी इच्छा है कि परमेश्वर मुझे वेदी पर लटकाना चाहता है, मारना चाहता है, तो मैं तैयार हूं अपने परमेश्वर की इच्छा पर, तेरी इच्छा पर। हालेलुया। तो दोनों में क्या समानता थी? कि दोनों अपने पिता की आज्ञाओं को मानते थे। हालेलुया। पांचवी समानता यह है इसहाक और यीशु मसीह में, कि दोनों के लिए जो भविष्यवाणियां हुई थी वो निश्चित हुई। प्रेज द लॉर्ड। दोनों के लिए भविष्यवाणियां हुई थी वो निश्चित हुई। इब्राहिम से सदोम को जाते हुए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि अगले साल सारा से एक बच्चा होगा। हालेलुया। और गलतियों 4:4 में अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पौलुस के द्वारा यह वचन आता है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन हुआ। हालेलुया। यानी कि दोनों की भविष्यवाणियां जो कही गई थी समय पर पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 5 समानताएं जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें कई और भी समानताएं हैं जो हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये 5 समानताएं हैं जो हमें इसहाक और यीशु मसीह के बारे में मिलती हैं। हालेलुया। तो इसलिए पता लगता है कि इसहाक का जो करेक्टर है, जो 1000 साल पहले आ गया था, किस तरीके से परमेश्वर ने उसी चरित्र को लेकर इब्राहिम से कहा कि अगर तू अपने बेटे का आज मैं मना करता हूं क्योंकि तू आज्ञाकारी है, तूने मुझसे प्यार किया है, तूने बता दिया कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरी आंखों में, मेरे लिए पहला स्थान तू है, आज तूने मुझे बताया, इसलिए मैं तेरे बच्चे को छोड़ रहा हूं, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और इस संसार के लिए इसी पर्वत पर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे जो वादा करता था परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन के लिए भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां पर कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के रूप में कौन है? वो दास, वो एलीएजर, जो दुल्हन तलाशने के लिए मेसोपोटामिया जा रहा है, जहां पर इब्राहिम ने उसे कहा है कि तुम मेसोपोटामिया में जाओ और वहां जो मेरा घर है, जो मेरे लोग हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, उन्हीं में से तुम दुल्हन लेकर आओ। हालेलुया। तो उसका जो दास था, एलीएजर था, वो उस मेसोपोटामिया में जा रहा है और वहां पर जाकर वो अपने मालिक के लिए, उस पुत्र के लिए दुल्हन तलाशने जा रहा है। उसके सामने दुल्हन नहीं थी लेकिन दुल्हन का चरित्र था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जब इस कलीसिया को बनाया,
यीशु मसीह ने जब पतरस से कहा कि मैं तेरे विश्वास पर, तेरे विश्वास की चट्टान पर ही कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह के सामने कलीसिया नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के सामने कलीसिया का गुण था, कलीसिया का चरित्र था। प्रेज द लॉर्ड। एलीएजर के सामने दुल्हन नहीं थी, वो नहीं जानता था कि कौन सी लड़की मिलेगी, वो नहीं जानता था कि मैं कौन सी लड़की को दुल्हन बना के लाऊंगा, लेकिन उसके पास दुल्हन का चरित्र था। अगर हम देखें उत्पत्ति 24 का 13 और 14, अगर हम देखें उत्पत्ति 24 13 का 13 और 14 में उसके पास चरित्र था, उसके पास गुण था, उसे परमेश्वर से जानता था कि परमेश्वर मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसी दुल्हन चाहिए जिसमें ये गुण हो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी कलीसिया में कौन से गुण होने चाहिए? परमेश्वर कौन सी कलीसिया को लेके आने वाला है, कौन सी कलीसिया को लेने आने वाला है, कौन सा गुण हमारे अंदर होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हम कौन सी दुल्हन के रूप में परमेश्वर का इंतजार करें? बोलिए बेटा 24 का 13। देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ। हे पिता, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। वो एलीएजर कह रहा है कि मैं इस जल के सोते के पास खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपनी दुल्हन को तलाश करने के लिए। हे पिता, तू मुझे आशीष दे, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ। और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। अब उसका ये है कि मैं यहाँ दुल्हन लेने के लिए आया हूँ। अब दुल्हन में क्या होना चाहिए, कैसी दुल्हन होना चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए उस दुल्हन में, वो आज ये बताने वाला है। ध्यान से सुनिए। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी और झुका के मैं पीऊं। इसलिए ऐसा होने दे, हे पिता पर, वो प्रार्थना कर रहा है, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि तू मुझे पानी पिलाए, आगे अपना घड़ा मेरी और झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, वो एलीजर क्या बोलता है, पिता परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है कि जिस लड़की को मैं बोलूं कि तू मुझे पानी पिलाए, वो अपना घड़ा मुझे पानी पिलाने के लिए झुकाए, लेकिन वो खुद कहे कि मैं तुझे पिलाने के बाद तेरे 10 ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10 ऊंट, एक ऊंट कितना पानी पीते हैं पता आपको? 50-100 बाल्टियां। एक ऊंट कितना पानी पीता है? बहुत पानी पीता है। और वो कहां से चले आ रहे थे? वो प्यासे थे। वो औरत खुद बोलती है, वो दुल्हन खुद बोलती है, वो कलीसिया खुद बोलती है कि मैं समर्पण के साथ तेरे लिए हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका ध्यान इस वचन की ओर लाना चाहता हूं। आप देखिए, उस दुल्हन में एलीएजर कौन से गुण देख रहा था, कौन से गुण देखना चाहता था? पवित्र आत्मा के 9 फल। वो उसमें 9 फल देखना चाहता था। प्रेम, शांति, आनंद, संयम, सहनशीलता, दयालुता, विश्वस्तता, नम्रता और धीरज। प्रेज द लॉर्ड। ये 9 फल, जब एक लड़की कुएं में से निकलती, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुआं नीचे है, वो नीचे जाकर घड़ा भरती है, उसने कम से कम अगर 10 ऊंट हैं और 50 बाल्टियां भी अगर एक को पिलाई तो कम से कम 500 बाल्टियां 500 बार उसने घड़ा नीचे भरा होगा। हालेलुया। और उसके बाद भी उसका आनंद खत्म नहीं हुआ, उसका प्रेम खत्म नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्या देख रहा है आज परमेश्वर, आज कलीसिया में क्या देख रहा है? 9 फल। उस दुल्हन में 9 फल थे। प्रेज द लॉर्ड। उसमें प्रेम था, उसमें आनंद था, उसमें शांति थी, उसमें धीरज था, उसमें सहनशीलता थी, उसमें दयालुता थी, उसमें विश्वस्तता थी, नम्रता थी, झुकाव था, दीनता थी और संयम था। आज परमेश्वर कौन सी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिस कलीसिया में ये गुण हो, जिस कलीसिया में ये गुण हो। इफिसियों 5:27 क्या कहता है कि परमेश्वर उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसमें झुर्रियां ना हो, जिसमें लालच ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना स्वरूप हमें दिया है, परमेश्वर ने अपना मन हमें दिया है,
हमारी आत्मा को जिंदा किया तो क्या कहता है कि हमें कौन सी कलीसिया होनी चाहिए हमारे अंदर, पढ़ो बेटा, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हमें उस कलीसिया के रूप में अपने आप को रखना है कि हमारे चरित्र में कोई झुर्री ना हो, कोई कलंक ना हो, सहनशीलता हो, प्यार हो, एक दूसरे से प्यार हो, एक दूसरे के लिए आनंद हो, तभी हम वो दुल्हन बनकर उसके साथ जाएंगे। वो दुल्हन के गुण परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें कौन से गुण होने चाहिए। वही एक सच्ची दुल्हन है जिसका इंतजार यीशु कर रहा है, उसी दुल्हन का इंतजार यीशु मसीह कर रहा है, और उसी दुल्हन को लेने के लिए एलीएजर आता है, उस गांव में आता है, उस दुल्हन को देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आगे का हम वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने क्या कहा। उसने सेम जो उसने एलीएजर ने प्रार्थना की थी, सेम टू सेम वचन रिबिका ने अपने मुंह से कहे। जब एलीएजर ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, उसने कहा तू पानी पी ले, लेकिन तेरे पानी पिलाने के बाद मैं तेरे 10 ऊंटों को पानी पिलाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता और पवित्र आत्मा ने पुत्र को धरती पर भेजा ताकि पुत्र धरती का उद्धार करे, बलिदान दे, जीवित हो और उद्धार पुनरुत्थान का कारण बने और उद्धारकर्ता बनकर सामने आए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने परमेश्वर की बात मानी, क्रूस पर उन्होंने बलिदान दिया और पुनर्जन्म, एक नया जन्म लेकर वो स्वर्ग में गए। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को धरती पर भेजा ताकि वो धरती से अपनी दुल्हन को लेकर आए। आज धरती पर कौन है? पवित्र आत्मा। कलीसिया में कौन है? पवित्र आत्मा। पिता पुत्र की क्या मंशा है? कि वो पवित्र आत्मा अपनी दुल्हन को संवारे, सजाए और उस दुल्हन को अपने पिता के पास, अपने मालिक के पास, अपने पुत्र के पास लेकर आए। यही एलीएजर काम कर रहा था। इसे जैसे ही उसने उस पुत्री को देखा, पिता से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। ये प्रेम कहानी यही खत्म नहीं हुई है। जब रिबका ने 10 ऊंटों को पानी पिला दिया तो एलीएजर ने उसको नथनी दी और उसको कंगन दिए और उससे पूछा कि तेरे घर में क्या रहने का जगह है। हालेलुया। रिबका उसे अपने घर ले गई। वहां पर लाबान था, बर्तुएल था जो कि रिबका का बाप था, उसकी माँ थी, उन सब ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा कि तो क्यों आया है। उसने बताया कि परमेश्वर की इच्छा ये है और मैं जब घर से निकला था, किस तरीके से मेरे मालिक ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए दुल्हन लेकर आऊं, और जब मैं यहां पर आया तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जो मुझे वो दुल्हन मिले जिसमें ये गुण हो, और रिबिका में वो गुण है। हालेलुया। मैं अपने मालिक के बेटे के लिए आपकी दुल्हन लेने के लिए आया हूं। वो बेटा कौन है? इसाक। वो बेटा कौन है? यीशु मसीह। बाइबल कहती है उत्पत्ति 24:58, एलीएजर लाबान से बोलता है, बर्तुएल से बोलता है कि इब्राहिम का वो पुत्र इसाक जिसे इब्राहिम ने सब कुछ दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जिसे इब्राहिम ने सब कुछ दे दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, इस कलीसिया के लिए, इस उद्धार के लिए, संसार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को सब कुछ दे दिया है। सारे अधिकार दे दिए। अब परमेश्वर कुछ नहीं है, अब यीशु है जो परमेश्वर का स्वरूप लिए सामने है। सब कुछ दे दिया है। एलीएजर बोलता है मेरे मालिक इब्राहिम ने मेरे पुत्र को, मेरे मालिक, मेरे छोटे मालिक को, इसहाक को सब कुछ दे दिया है। 36 में अगर हम देखेंगे
तो वो वचन है, वो कहता है कि मैंने मेरे बेटे ने सब कुछ दे दिया, क्या है 36, और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। रिबका इस बात को सुन रही थी जब एलीएजर बता रहा था कि उसका पुत्र कौन है, इब्राहिम कौन है, इसहाक ने कैसे जन्म लिया, इसहाक ने कैसे बलिदान के समय में अपने आप को समर्पित किया, पिता की आज्ञा के सामने इब्राहिम ने कैसे अपने आप को झुका दिया, ये रिबका सुन रही थी। प्रेज द लॉर्ड। वो दुल्हन सुन रही थी जिसको लेने के लिए एलीएजर आया था। और 58 में जब उससे पूछा गया रिबका से कि तू क्या चाहती है, 58 वचन में कि तू क्या चाहती है, क्या तू इस आदमी के संग जाना चाहती है, रिबका क्या बोलती है देखिए 24 का। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी, उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मैं जाऊंगी। उसने एक पल के लिए नहीं सोचा, क्योंकि वो उस दूल्हे की दुल्हन बनने के लिए बेताब थी जो संसार का रचयिता है, जो संसार का रचयिता है, जो उद्धार करता है, जो मुक्ति दाता है। यही 12 चेलों ने देखा था जब चेले अपना जाल धो रहे थे, पतरस, अनिद्रियास, याकूब, यूहन्ना अपना जाल धो रहे थे और यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। आज यीशु मसीह आपसे कहता है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करिए यीशु मसीह कौन है जिसको आप अपने जीवन में लाते हैं, यीशु मसीह कौन है जो आपसे कहता है मेरे पीछे हो ले, क्योंकि वो आपके आपको दुनियावी जाल से मुक्त करना चाहता है। पतरस, अनिद्रियास, याकूब, यूहन्ना उस जाल में थे, वो जाल में फंसे हुए थे, मोह के जाल में फंसे हुए थे, दुनियावी जाल में फंसे हुए थे, रिश्तों के जाल में फंसे हुए थे, लालच के जाल में फंसे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह चाहता था उन्हें उन जाल से दूर करना। यही आपसे चाहता है मेरी बहन, यही यीशु चाहता है कि आप उस जाल से अपने आप को मुक्त करें जिस जाल को शैतान ने आपके आगे पीछे घेर रखा है, जिस जाल के अंतर्गत शैतान ने आपको अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया हुआ है, उस जाल से अपने आप को दूर करें। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई, दुनिया आपको छोड़ देगी, संसार आपको छोड़ देगा, आपके रिश्ते आपको छोड़ देंगे, आपका बेटा आपको छोड़ देगा, आपका पति आपको छोड़ देगा, लेकिन आपको मैं ऐलान करता हूं कि यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप चाहे किसी दुविधा में हो, आप चाहे किसी परेशानी में हो, आपके अंदर चाहे कैसा भी पहाड़ हो, आपके अंदर चाहे कैसा भी दुख हो, आपके अंदर चाहे कैसा भी संकट क्यों ना हो, मेरी बहन मेरे भाई, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसकी दुल्हन है, आप उसकी दुल्हन है, उसने आपको चुना है, उसने अपनी आत्मा आप में डाली है, उसने पत्थर का हृदय निकालकर आपको बदल दिया है, मांस का हृदय डाला है। हम कभी कभी डर जाते हैं, हम कभी कभी संसार से डर जाते हैं, हम कभी कभी हालातों से आपका डर जाते हैं कि हम क्या होगा, हमारा कैसे हम अपनी जिंदगी जिएंगे, कौन है हमारा सहारा, कौन है हमारा रखवाला, कौन है हमारा चरवाहा। एक ही है जिसका नाम है यीशु मसीह, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। उसके वचन में शुद्धता है, उसके वचन में जीवन है, वो जब बोलता है तो होता है। उसके वचन यूं ही नहीं है, उसके वचन काम करते हैं, उसके वचन आपको शुद्ध करते हैं, उसके वचन आपको जीवन देते हैं, उसके वचन आपके अंदर ज्योति उड़ेलते हैं। इसलिए अपने आप को समर्पित करिए, हर संकट की घड़ी में, हर दुख की घड़ी में, हर समस्या में अपने आप को खोलिए और यीशु से कहिए कि यीशु मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मैं अपने पारिवारिक जीवन को नहीं बना सकती, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, मैं अपने बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकता,
मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूं। उसके सामने शून्य बनकर, दीन बनकर रहिए और उसे कहिए कि मैं कुछ नहीं हूं यीशु, तू मुझे संभाल। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, उसका हाथ आएगा, वो आपको अपनी गोदी में उठाएगा, वो आपको अपनी गोदी में उठाएगा। आप नहीं जानते कि आप कौन है, आप नहीं जानते कि वो आप कौन है, आप नहीं जानते कि पिता आप में किसको देखता है। पिता आप में अपने क्रूस को देखता है, पिता आप में अपने बेटे को देखता है, पिता आप में अपनी योजना को देखता है। हमें उस दुल्हन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। जब शादी होती है और दुल्हन एक सेठ पर बैठी होती है, वो इंतजार करती है अपने दुल्हन का, दूल्हे का, और अपने आप को संवार कर रखती है, अपने आप को संजो के रखती है, संसार से बचाकर, शैतान से बचाकर, गलत लोगों की आंखों से बचाकर अपने आप को पवित्र रखती है कि मेरा दूल्हा आएगा। हालेलुया। वो जो घड़ी होती है ना अपने आप को संवारने की, वो जो घड़ी होती है दुनिया से अपने आप को बचाने की, वो बहुत कठिन है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा आप में उड़ेली है, इसलिए वो आत्मा आपके साथ है, इसलिए वो आत्मा कहती है मैं हूं, इसलिए वो आत्मा कहती है मैं हूं, इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो सहायक के रूप में तुम्हारे साथ है। वो सहायक के रूप में तुम्हारे साथ है, तुम उसकी अगुवाई में अपनी जिंदगी को बढ़ाओ। हमारे पास सब कुछ है, हमें संपूर्ण कर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन हमें उसके मुताबिक चलना है। हमें अपने कानों को संसार से बचाकर परमेश्वर के वचनों पर लगाना है, एक वचनों के लिए भूखा रहना है। पहला पत्रस 2:2, जैसा एक बच्चा अपने दूध के लिए ललायित रहता है। हालेलुया। पत्रस क्या कहता है देखिए, ध्यान दीजिए। पहला पत्रस 2:2 जल्दी पढ़िए। हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी को बितानी है बाइबल जानता है, बाइबल बताता है हमको, परमेश्वर बताता है। पहला पत्रस 2:2, हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों की ना ही निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। ध्यान से देखिए, मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। कभी आपने किसी दूध पीते बच्चे को देखा है? प्रेज द लॉर्ड। जिस बच्चे को दूध की भूख लगी होती है वो पालने में रहता है। हालेलुया। और जैसे ही माँ दूध की बोतल उसके सामने लेकर आती है, हालेलुया, कभी देखा आपने उसका एक्शन? वो हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, दूध की बोतल को देखता है, उसका लालच उसके ऊपर होता है, दूध की बोतल को देखकर हाथ बढ़ाकर लेना चाहता है। हालेलुया। आपने कभी देखा कि नहीं देखा है? हालेलुया। जिस तरीके से वो छोटा बच्चा दूध के लिए तड़पता है, उसी तरह हमें भी परमेश्वर के वचनों के लिए तड़पना है। जब भी हम परमेश्वर के वचन को देखें, हमारे हाथ पर हिलने लगे, नहीं, हम उस वचन को पाने के लिए तड़पें, उससे प्रार्थना करें, यीशु मुझे वचन अंदर मेरे भेज, इस वचन को मैं समझूं। आमीन। उसकी शक्ति को समझिए। जिस दिन आपके अंदर वो तड़प आएगी मेरी बहन, जिस दिन आपके अंदर वो बोझ आएगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। हर पल परमेश्वर आपको देख रहा है। हम डरते हैं, हम समझते हैं हम अकेले हैं, नहीं, कलीसिया के रूप में वो हमारी संरक्षण करता है। इफिसियों 5:29
कलीसिया के रूप में वो हमारा पालन पोषण करता है। आपको पता है, अगर आप कलीसिया से जुड़े रहेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, एक कलीसिया का बनकर रहना ही आशीष है, नंबर वन। नंबर दूसरा, अगर आप कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं तो मुश्किल है कि आप रैप्चर के दिन प्रभु के पास जाएं। वो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। और नंबर तीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका पालन पोषण अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सही उद्गम, सही आशीषित आपके दिन गुजरें, आपके जीवन में उन्नति हो और बरकत हो, तो बाइबल का वचन क्या बोलता है? क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। यीशु मसीह कलीसिया का पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर है। यीशु मसीह की बॉडी है, हम उसका शरीर है, और यीशु मसीह अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए हर वक्त तैयार है। इसलिए घबराइए मत कि मेरा धंधा कम हो रहा है, मेरी बीमारी नहीं जा रही है, मेरे कर्जे नहीं जा रहे हैं। प्रभु के वचनों में रहिए मेरी बहन, परमेश्वर यीशु मसीह अपनी देह का पालन पोषण करना जानता है। वो हर पल आपको देखता है, वो आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा, यूं ही नहीं त्यागेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। जिस दिन आप हो जाएंगे, आप चैलेंज अपने जीवन में चमत्कार देखिएगा, रोज चमत्कार देखिएगा। जिस दिन आप यीशु के हो गए पूरी तरीके से, जिस दिन आप यीशु का क्रूस आपके अंदर आ गया, जिस दिन आपका अहम आपके अंदर से निकल गया, स्वार्थ निकल गया, यीशु मसीह किस स्वार्थ से आया था आपके पास, उसका क्या स्वार्थ था, क्यों मरा वो, कोई स्वार्थ था उसका? आपको जीवन देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। उस जीवन के मूल्य को हमको समझना है मेरी बहन, और हमें इस कलीसिया में बने रहना है, ताकि कलीसिया को लेने के लिए जो पवित्र आत्मा यहां पर है, पवित्र आत्मा हमारी रक्षा के लिए, हमारी संरक्षा के लिए है, ताकि उसके आने तक वो हमें सजा के रखे, ताकि उसके आने तक हमें सुरक्षा प्रदान करे। हमें उसकी सुरक्षा में रहना है, हमें उससे कहना है कि यीशु के आने तक हमें अपने पंखों के तले छुपा। मेरी बहन, अंतिम समय है, शैतान बौखलाया हुआ है। हम जितना अपने आप को दीन करके प्रभु के चरणों में अपने आप को रख देंगे, आपकी विजय है, आपकी जीत उसी में है, आपकी सुरक्षा उसी में है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखने के लिए समर्पित करिए। सिर्फ यही नहीं, घर में वचनों में बने रहिए, जब भी कोई ऐसी बात मन में आती है, प्रार्थना के लिए घुटने टेकिए। परमेश्वर आपके कर्जों को, आपके दुखों से आपको दूर करेगा। घुटने टेके उससे बोलिए कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, तू कर, तू मुझे ले चल। जिस दिन हम आप उसके सामने अपने आप को शून्य कर देंगे, उस दिन वो हमें उठाएगा, उस दिन वो हमें उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 75 साल की एज में परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। हालेलुया। 25 साल तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या इब्राहिम ने, सारा ने कोशिश नहीं की होगी बच्चा पैदा करने की? कोशिश की होगी, नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब उसकी, रोमन का 4:19 निकालिए, जो 100 वर्ष का था, कौन था? इब्राहिम। और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा में उसने विश्वास किया। जिस दिन उसने महसूस कर लिया कि मेरी सारा की दशा मरी हुई है, मैं मरा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उस दिन परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर आपकी कमजोरियों में आपको उठाता है।
जिस दिन आप बोलते हैं कि साहब मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको उठाता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे धंधे को आप लेके चलिए, मेरे जीवन को आप लेके चलिए, मैं कुछ नहीं हूं। जिस दिन आप शून्य हो जाएंगे उसके सामने, उस दिन वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। मरी हुई दशा थी उसकी, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा थी। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर मृत्यु से जीवन लेके आता है। मृत्यु से जीवन, मरी हुई चीज से जीवन निकालता है। वो है परमेश्वर मेरा, वो है यीशु मेरा। इसलिए अपना विश्वास बना के रखिए। इब्राहिम के पास क्या था? विश्वास। वो विश्वास ही था जो उसे लेकर गया था, अपने बच्चे को लेकर वेदी पर गया वो। क्या इब्राहिम की परीक्षा नहीं हुई? इब्राहिम भी लड़खड़ाया, लेकिन उसका विश्वास उसके साथ था। वो जान गया था प्रभु को। कैसे उसका विश्वास बढ़ा? जब उसने यीशु को जाना, जब प्रभु को जाना। हमारा विश्वास क्यों कमजोर है? क्योंकि हम प्रभु को अपने अंदर लेते ही नहीं है, हम उसे जान ही नहीं पाते, हम जानना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, बस अभी जो समस्याएं वो ठीक हो जाए बस। नो, उसको जानिए, उसको अपने अंदर लीजिए, अनंत काल की समस्याओं से छुटकारा होगा। इब्राहिम जान क्या था? अध्याय 22 में उसने अपनी बीबी को भी नहीं बताया। 3 दिन की यात्रा के लिए, यात्रा लेकर वो अपने बेटे का बलि करने के लिए गया था। प्रेज द लॉर्ड, क्या खूबसूरत दृश्य है, क्या समर्पण है, क्या प्यार है उसका। विश्वास करिए। इसीलिए यीशु मसीह चेतावनी देता है, अंतिम समय है, कलीसिया का पालन पोषण करने के लिए वो तैयार है। कलीसिया का पालन पोषण वो करता है, कलीसिया को सजाने संवारने के लिए उसने अपनी आत्मा को भेजा है। उसकी आत्मा यहाँ है जो हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है, और वो हमें ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन यीशु कहता है अंतिम समय में, प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसने कलीसियाओं को चेतावनी दी है। अंतिम समय है, कलीसियाओं को चेतावनी दी है यीशु मसीह ने। और उन चेतावनियों को अगर आप सार देखना चाहेंगे तो मत्ती के 5 में उस धन्य वचनों में आप देखेंगे। आज मैं आपको बताता हूं उन धन्य वचनों में उस चेतावनी का सार, उस चेतावनी का संक्षिप्त विवरण। मत्ती 5:3 में यीशु मसीह क्या कहता? धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। ये उपदेश भी है और चेतावनी भी है। अगर आपकी दीनता आपके पास नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र नहीं है। और अगर आप दीन नहीं हैं तो स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। धन्य है जो शोक करते हैं। चौथा वचन, वही सांत्वना पाएंगे। अगर आप किसी के जीवन के लिए, अगर आप किसी के दुख के लिए, अगर आप किसी भाई बहन के लिए उसको क्षमा नहीं कर सकते, उसके लिए शोक नहीं कर सकते, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते मेरे बहन, तो आपको भी सांत्वना नहीं मिलेगी, आपको भी सुख नहीं मिलेगा। ये चेतावनियां हैं। हम उन उपदेशों को अपने जीवन में समझते हैं कि धन्य है, धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और हम अपने आप को समझते हैं कि ये वचन मेरे जीवन में लागू हो रहा है। हमें अपने आप को जांचना है, क्या मैं दीन हूं और क्या मेरी दीनता हमेशा के लिए है? छोटी छोटी बातें क्या मुझे अभी भी मेरे माइंड को, मेरे दिल में अखड़ती हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी छोटी चीजें, हमको चाय नहीं मिली, हमको चाय ठंडी मिली, हमको चाय देर से मिली, अगर अभी भी हम इसी जीवन से जी रहे हैं तो माफ करिएगा।
मंजिल बहुत दूर है। हेलो, हमारी दीनता कहां है? और बाइबल कहती है कि अगर आप दीन नहीं हैं तो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। दीनता की पराकाष्ठा क्या है? अगर दीनता की पराकाष्ठा आप देखें तो 5:38 में उसने कहा है कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हम कोई एक बात सुनाता है तो अपने दूसरा कान नहीं करते, उसको इमीडिएट बात सुनाते हैं। हालेलुया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कलीसिया को लेने के लिए यीशु आ रहा है, और उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसमें ना झुर्री हो, ना लालच हो, निर्दोष हो, वो पवित्र हो। उस कलीसिया को लेने के लिए यीशु आ रहा है। इसलिए वो कहता है धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी वही है। अगर आप में नम्रता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप में नम्रता नहीं है मेरे भाई, आप अपने अधिकार को खो देंगे पृथ्वी पर। नम्रता क्या है? नम्रता क्या है? यीशु मसीह में क्या थी? नम्रता। यीशु मसीह में क्या था? क्षमा। उन्होंने क्या पाप किया था यीशु मसीह ने? कुछ भी नहीं, फिर भी उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, खाली किया, क्योंकि वो परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना चाहते थे। ये छोटी छोटी चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। हम समझते हैं कि हम झुकेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। उठाने दो, ध्यान दीजिए। आप समझते हैं कि हम झुकेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। आप ये भूल जाते हैं कि आप झुकेंगे तो परमेश्वर जीवन का मुकुट रखेगा आपके ऊपर। आप उस मुकुट को नहीं देखते कि मैं झुकूंगा तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। रोज मैं ही चाय बनाऊं, रोज मैं ही झाड़ू लगाऊं। धन्यवाद कि परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है। धन्यवाद कि मैं करूं। किसके लिए हम कर रहे हैं? प्रभु के लिए। झाड़ू लगाना क्या है? आराधना। क्या आप आराधना करना नहीं चाहते परमेश्वर की? सेवा करना क्या है? आराधना। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। और ये सिर्फ कलीसिया में नहीं है, घर में भी है। कहीं भी आप जाइए, आप में दीनता और नम्रता परमेश्वर देखना चाहता है, आप में यीशु देखना चाहता है। चाहे आप काम कर रही हैं, चाहे आप घर में, चाहे आपका पति कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, आप में दीनता, आप में यीशु का क्रूस होना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना है। जो चुनौतियां परमेश्वर ने दी हैं, उन चुनौतियों के बारे में हमें सोचना है। क्या मैं दीन हूं? क्या मैं नम्र हूं? धन्य है वो जो, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आपके मन की शुद्धता आप पर डिपेंड करती है। यीशु मसीह ने अपना मन दिया, यीशु मसीह ने आपके मन को नया किया, लेकिन वो चेतावनी देता है कि अगर आपका मन शुद्ध है तो ही आप परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हुआ? आप रैप्चर में जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप स्वर्ग में जाकर किसको देखेंगे? किसको देखना चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं? लेकिन चेतावनी है मती 5:8 कि धन कि अगर आपके मन शुद्ध है तो ही आप परमेश्वर को देखेंगे। क्या आपका मन शुद्ध है? क्या आपके मन में कड़वाहट नहीं है? क्या आप आज भी किसी के लिए बात करते हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं?
अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, और अगर आप परमेश्वर को नहीं देख सकते तो आप रैप्चर में नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है। आपके लिए क्या जरूरी है, अपने मन की अशुद्धता या परमेश्वर का दर्शन? परमेश्वर का दर्शन। इसलिए मेरे भाई आज से अपने अंदर निकालिए, मेरी बीबी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ना करे, मैं करूंगा, मुझे परमेश्वर चाहिए। मुझे यीशु चाहिए। कितने साल है इस धरती पर? 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद आपको स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए? क्या चाहिए आपको? स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए? तो आपको शुद्धता अपनी बनानी पड़ेगी, अपने आप को जांचना पड़ेगा कि कहीं मेरी किसी हरकत से परमेश्वर को दुख तो नहीं हो रहा है। हालेलुया, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। क्या हम हैं? हमारे अंदर बोझ पैदा होता है कि आज आत्मा नहीं आ रही है, आज मैं खाली हूं, मैं जाऊं प्रभु की स्तुति करने के लिए, कभी ये नहीं आ रहा, कभी वो नहीं आ रहा, आज वो नहीं आया पास्टर मैं कैसे जाऊं, आज वो नहीं आया पास्टर मैं कैसे जाऊं, मुझे ये भाषा नहीं आती, मुझे वो भाषा नहीं आती। अरे आपके पास पवित्र आत्मा है जो आपको हर भाषा देगी। आपकी सेवा में भाषा आड़े नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आए ना आए, मुझे जाना है क्योंकि मैं धार्मिकता का भूखा प्यासा हूं। मेरा कलीसिया बढ़े, मेरी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जो लोग आ रहे थे वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? हम जगह हम देखते हैं कलीसिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं, ये पास्टर भी ठीक नहीं लगता मुझे यार, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रुक तो रहा नहीं है, कहीं ना कहीं पास्टर में कमी है, कुछ ना कुछ हम कमियां देखते हैं। हाँ, हम अपना नहीं देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। अरे जो नहीं आ रहा है उसके घर जाओ, उसे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। आपका नहीं है, हमारा ही, हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी है तो पास्टर के निकालना। आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने जोर से बोल दिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी ड्यूटी नहीं समझते कि हमें जाना चाहिए उस बहन के पास, उस भाई के पास जो चले गए हैं, जो आत्माएं आ रही थी उनके पास जाएं, क्योंकि हमारे अंदर क्रूस नहीं है, हम अपना स्वार्थ लिए बैठे हैं, हम अपना अहम लिए बैठे, मेरा बस, मैं जानता हूं यीशु मसीह को। मेरी बहन, हमें दीन बनना है, हमें किसी की तरफ नहीं देखना है, हमें सिर्फ यीशु की तरफ देखना है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, हमें उसके लिए जीना है। एक लास्ट वचन मैं आपको बताऊंगा, 2 कुरिन्थियन 5:15, मुझे सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीना है जो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। पढ़िए बेटा। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। अगर हम मसीह हैं तो हम आगे को अपने लिए ना जिए, हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें उसके लिए जीना है जो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। हमें उसके लिए जीना है, अपने लिए नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस कलीसिया को, उस दुल्हन को लेने के लिए जो कि दुल्हन इसहाक के लिए रिबिका के रूप में आई, एक कलीसिया के रूप में आई। हालेलुया, और परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई।